दोस्तों नमस्कार, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर आ गया हूं दोबारा से मैं छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स कोटकपूरा पंजाब के अंदर। दोस्तों यह कंपनी किसान भाइयों के लिए, आपको मैंने पहले भी बताया है, नए नए कृषि यंत्र किसान भाइयों को समय समय पर उपलब्ध कराती रहती है। पारुल भाई नए नए कृषि यंत्र किसान भाइयों को लाते रहते हैं, इनका तो दुनिया जानती है इन्हें जी। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उड़ावनी पंखा। दो तरह का ये उड़ावनी पंखा है, अलग अलग तरह का है, इसका और भी कुछ नाम पारुल भाई बताएंगे आपको, वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरी वीडियो देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। आपकी जानकारी के लिए ही वीडियो मैं बना रहा हूँ आज। दोस्तों पारुल भाई नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार मेरे दोस्तों। मेरा तो कहना ये है, ना थकी अभी पैर ना हिम्मत हारी है, ना थकी अभी पैर ना हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जी। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। वेलकम आप सभी का, मैं आपका हरमन प्यारा पारुल छिब्बर जी, छिब्बर एग्री इक्विपमेंट से हूँ। इस कंपनी को मैं और मेरे भाई साहब राहुल जी मिलकर चलाते हैं जी। आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार, छिब्बर एग्री टीम की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ शर्मा जी, हमारा विनोवर जिसे उड़ावनी पंखा बोला जाता है जी। और ये हमारा मॉडल आ जाता है विनोवर कम ग्रेडर। अच्छा। मतलब कि अगर आप अपना व्यापार करना चाहते हैं ग्रेडिंग के पर्पस के हिसाब से जी, जैसे पहले जमाने में बड़े बड़े छाज होते थे जी, छनने होते थे जी, वैसे ही आपका ग्रेडिंग करके आपके सीड्स को अलग अलग कर देगा। अच्छा। और इसकी जरूरत हिंदुस्तान के हर कस्बे में है, हर एरियाज में है जी। पहले जमाने में मंडी में बड़े बड़े पंखे होते थे अनाज को साफ करने के लिए जी। ये नए जमाने का विनोवर है, उड़ावनी पंखा है। अच्छा पारवाई, जैसे उड़ावनी पंखा है, आजकल जो इस समय चल रहा है जो है धान का सीजन जी शर्मा जी, किसान भाइयों को धान में जो है सफाई नहीं आ पाती तो उसमें जो है रेट बढ़िया नहीं मिल पाता। बिल्कुल जी। और सफाई तो उसे करनी ही है, तो उसके लिए ये बताइए कि किसान भाई किसे कैसे यूज करता है और घंटे में कितना सफाई करेगा ये। सबसे पहली बात तो शर्मा जी, जो इसका साइज है जी, आप देखिए बहुत ही कॉम्पैक्ट हमने बनाया है जी, ताकि इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत इजी हो जाता है जी जी। उसके जी बाद अगर आप चाहें तो इसके नीचे टायर अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। बिल्कुल जी। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है जी, ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर और मैनुअल दोनों तरीके से काम करेगा। अच्छा हाथों से भी चलेगा ये? जी बिल्कुल जी, हाथों से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बिजली की मोटर तो हम साथ में देंगे, 1 HP की मोटर होगा जो आपका घरेलू कनेक्शन में ही काम आ जाएगी। अच्छा। और अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो घंटे का 500 से लेके 550 kg की किलो एक घंटे की प्रोडक्शन रहती है। अच्छा मतलब कि यहाँ से हम डालेंगे। बिल्कुल। और जो है गंदगी की तरह निकलेगी इसकी, जो है गंदगी इसकी यहाँ से निकलेगी, आप देखिए जी यहाँ से धूल मिट्टी आएगी। अच्छा। और यहाँ से आपके साफ दाने बाहर आएंगे, साफ बिल्कुल, जो हमारा माल निकल आएगा जी। बिल्कुल जी, फसल कोई सी हो चाहे जो है। बिल्कुल जी, आपकी गंदगी यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकल जाएगी, यहाँ से धूल मिट्टी आपकी निकलेगी जी, और वहां से और यहाँ से इसके दाने निकलेंगे। अच्छा दोनों तरफ से दाने निकल जाएंगे जी जी। अब इधर ये जो है ये खोलने वाला सिस्टम दिया गया, क्या है पारुल भाई ये? आप अपने तरीके के साथ कितना एडजस्ट करना चाहते हैं, आप जो जितना सीड्स चाहते हैं अंदर जाए जी, आप उस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए आप। अच्छा जैसे मान के चलो हमारे हमारे साथ में बंदा ज्यादा मजदूर ज्यादा है तो हम इसे पूरा खोल दें। हाँ, अपना जो है अकेला व्यक्ति है तो अकेला वैसे कर सकता है। अच्छा अब ये दूसरा जो है आपका ये कुछ अलग लग रहा है इससे जो है, और मुझे लग रहा है कुछ इसमें सिस्टम भी उससे अलग दिया गया है, कई दाना निकलने का अलग है, वैसे अलग है, क्या है ये? शर्मा जी, ये इसको बोला जाता है विनोवर कम ग्रेडर। अच्छा ये नया वर्जन है जी। इसके साथ अगर आप अपने सीड्स की ग्रेडिंग करना चाहते हैं जी, आप अपने ब्रांड से इसे मार्केट में बेचना चाहते हैं जी, इसके नीचे एक ग्रेडर लगाया हुआ है हमने। अच्छा ड्यूअल मोटर होता है, डबल मोटर होता है जी जी। विनोवर के अंदर भी एक मोटर होती है, एक मोटर आपके ग्रेडर के अंदर होती है सेपरेट। अच्छा तो ये आपका उड़ावनी पंखे का तो काम करेगा जी, मतलब धूल मिट्टी कंकर आपके एक तरफ आ जाएंगे जी, साफ सीड आपका आएगा जी, और यहाँ से इस ट्रे से आपके आपकी ग्रेडिंग हो जाएगी। अच्छा मतलब कि 3 qualities के सीड आप इसके साथ तैयार कर सकते हैं। अब पारुल भाई इसकी प्रोडक्शन कितनी है, मेरे किसान भाइयों को भरोसा कैसे होगा? डेमो तो चाहिए मुझे इसका। आप लाइव डेमो लेखना चाहते हो? बिल्कुल लाइव डेमो देखूंगा तभी यकीन होगा मुझे जी। मैं आपको इसी वीडियो में इसका लाइव डेमो दूंगा। अच्छा प्रोडक्शन है 500 से लेके 600 kg प्रति घंटा है जी। पारुल भाई जैसे कि हमारे किसान भाइयों के अलग अलग सीड्स होते हैं, अलग अलग फसलें होती हैं जी शर्मा, कौन कौन सी फसलों को ये साफ सफाई करेगा और ग्रेडिंग करेगा? शर्मा जी गेहूं हो गया, धान हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, दालें होगी, आपका बरसीम हो गया,
सब सीड्स को आपका ग्रेडिंग करके, अच्छा, और मिट्टी कंकर धूड़ अलग करके और ग्रेडिंग के पर्पस के हिसाब से जी साइज बड़ा छोटा अलग अलग कर देगा ये। अच्छा अच्छा, मतलब कि अलग अलग जब निकाल देगा वो अपना कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड इस हिसाब से क्वालिटी। तभी तो शर्मा जी इसको बोला जाता है जी विनोवर कम ग्रेडर। अच्छा, तो पारुल भाई ये बताइए इसका प्राइस क्या पड़ेगा मेरे किसान भाइयों को? शर्मा जी प्राइस आपको बताता हूँ, प्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। प्रोडक्शन जो इसकी है 500 से लेके 600 केजी प्रति घंटा है जी। और ये जो हमारा विनोवर कम ग्रेडर आप देख रहे हैं जी, ये हम आपको 34,000 रुपए में जी 34,000 में इंक्लूडिंग GST और ट्रांसपोर्टेशन आपको देंगे। अब पारुल भाई मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रेट इसके ज्यादा तो नहीं हो गए हैं, बढ़ गए हैं मुझे बिल्कुल, क्या बिल्कुल लग रहा है? आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ जी, प्राइसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है जी। उसमें क्या था, देखो हम हिंदुस्तानी है भाई, हिंदुस्तान में रहते हैं जी, ठीक है। हमारा GST एक एक चीज के ऊपर GST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना होता है। अच्छा, ये जो हमारी फूड ग्रेन आइटम्स आती हैं, अच्छा, इनके ऊपर पहले 5% GST होता था। अच्छा, मतलब अगर आप 100 रुपए की चीज लेते थे वो 105 रुपए पड़ती थी जी। अब इनके ऊपर 18% GST है, तो 100 रुपए वाली चीज 118 रुपए की है। जो थोड़ा बहुत प्राइसेस में डिफरेंस आया है वो मैं खुद मानता हूँ जी, वो ड्यू टू डिफरेंस आया है GST बढ़ने के कारण। अच्छा, GST बढ़ा है तो अकेला मेरे लिए आपके लिए तो बढ़ा नहीं, अच्छा, पूरे देश भर में बढ़ा है। अच्छा, तो उसके लिए प्राइसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, डेफिनेटली आया है। अच्छा, वैसे हमने इसका कोई कॉस्ट नहीं बढ़ाया। जो हमारा विनोवर है वो 21,000 का है और विनोवर कम ग्रेडर हमारा 34,000 का है। अब पारुल भाई GST भी चलो मान ली मेरे किसान ने जी, अब मैं तो आया हूँ इतनी दूर से, मेरे किसान को क्या दोगे मेरे खातिर बताओ? शर्मा जी पहले आप ये बताओ, आपको मैंने लाइव डेमो दिखाया कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ आपसे मेरे किसानों को लेना है ये, तो कुछ स्पेशल दे दो इसके लिए कुछ आप। चलो शर्मा जी मैंने आज तक निराश किसी को नहीं किया और आपका मैं तहे दिल से जी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ मेरे ब्राह्मण भाइयों। आप जी आपके चैनल का श्री किसान चैनल का जी यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट जी मेरे नंबर या मेरे भाई राहुल छिब्र के नंबर पे आने से जी मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूँ जी विनोवर कम ग्रेडर के साथ। अच्छा, एक जाली तो बीच में लगी होगी। अच्छा, एक जाली तो मशीन में लगी, हाँ, ये लगी हुई है इधर तो ये जी, बिल्कुल जी जी, और एक जाली में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा इसका कोई अलग से चार्ज, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है मेरी तरफ से। अच्छा, वीडियो में वादा कर रहे हो आप? पक्का जी, जो करता हूँ पूरा करता हूँ। अच्छा, तो किसान भाइयों ने जाली भी आपने देख ली, आपको एक जाली लगी हुई मिल रही है और ये एक्स्ट्रा मिल रही है आपको। तो पारुल भाई लेने का प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे मिलेगा, कितना हमें एडवांस देना पड़ेगा? देखो इसको परचेज करने का बहुत ही आसान तरीका है जी, तो अगर हो सकता है तो पंजाब में आप कोटकपूर आइए जी। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो विनू मैडम आपको बताएंगे जी कि कैसे आपको कौन से मॉडल के लिए कितना एडवांस आपको देना पड़ेगा। अच्छा, और कैसे आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे? विनू जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। ये बताइए कि जैसे क्या किसान भाई से बिहार से लेना चाहता है, यूपी से लेना चाहता है, वो हर किसान तो कंपनी में नहीं आ सकता, कुछ किसान ऐसे होंगे वो आना चाहेंगे, तो ऑनलाइन प्रक्रिया में कैसे ले सकते हैं और कितनी बुकिंग अमाउंट उन्हें देनी होगी? जी देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया लिए हमारे दो फोन नंबर हैं हमारी कंपनी के, मैं नंबर बोलना चाहूँगी 9855219706 जी, 9814231007 जी, मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी 9855219706 जी, 9812431007। आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, आपको कॉल बैक आ जाएगा, आप हमारे स्टाफ से बात कीजिए, जो भी मशीन आप लेना चाहते हैं उस मशीन का ऑर्डर बुक करवाइए। सबसे पहले आप जो ये मशीन देख रहे हैं इसके लिए आपको मात्र 4,000 हमारा कंपनी का जो करंट अकाउंट है उसमें आपको जमा करवाने हैं जी। और इसके बाद आते हैं हम इस मशीन पर जी, जी। जो विनोवर कम ग्रेडर है इसके लिए आपको 5,000 हमारा कंपनी का जो करंट अकाउंट है उसमें आपको जमा करवाने हैं, आपकी मशीन का ऑनलाइन ऑर्डर बुक हो जाएगा जी। उसके बाद जो बाकी का पेमेंट रह जाएगा, जब मशीन आपके दिए गए पते पर यहां से प्रॉपर लेबलिंग होकर डिस्पैच होगी, तो जब मशीन आपके नियर बाय ट्रांसपोर्टेशन यार्ड में जब पहुंच जाएगी, हमारे स्टाफ से आपको कॉल आएगा, जैसे ही आपने अमाउंट जमा करवाया था बुकिंग का वैसे ही आप बाकी का पेमेंट जमा करवाइए और अपनी मशीन का घर बैठे मंगाइए। बताइए बिनू जी इसमें गारंटी वारंटी क्या है और जो है इसके जैसे कि पार्ट्स लेना हो बाद में तो उसका क्या प्रावधान है? जी देखिए, वैसे तो इसमें खराब होने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कंपनी हमेशा की तरह एक साल की वारंटी कवर करती है जो भी मशीन आप लेते हैं। और दूसरा बात मैं कहना चाहूँगा, कोई भी स्पेयर पार्ट की आपको प्रॉब्लम आती है आप उसका बकायदा हमें एक फोटो भेजिए, उसके बाद जो भी पार्ट आपको चाहिए हम आपको घर पे ही अवेल करवाएंगे। और हमें मतलब देखिए, जैसे कि हमारे छिब्बर इक्विपमेंट हमेशा की तरह ही जानती कि आफ्टर सेल सर्विस के लिए हम इस चीज़ में बहुत बिलीव करते हैं कि अगर मशीन ले लिया है तो उसका स्पेयर पार्ट सबसे पहले हम वही लेकर आते हैं, उसके बाद हम मशीन को लॉन्च करते हैं जी। ये तो भरोसा है मुझे वाकई में, क्योंकि आप जो है अलग अलग कृषि यंत्र बिल्कुल नए नए किसानों को देते हो। अब किसान भाइयों मैं आपको एक और खास बात बता दूं,
मान के चलो आप जो ट्रैक्टर माउंटेड जो है पंखा उड़ावनी पंखा लेते हो तो उसमें आपको ट्रैक्टर भी लेना पड़ेगा और आपको कई इंतजाम करने पड़ेंगे। इसमें आप इस मशीन को ले लो या इस वाली मशीन को ले लो, आप अपना तो काम करो ही करो, पड़ोसियों का काम भी ग्रेडिंग करके आप काफ़ी पैसा इसमें कमा सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।